भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जैसी स्टेटमेंट नहीं दिया। इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि भारत किसके साथ खड़ा है। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो जो असली मीडिया है, मैं ये क्रिमिनल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसकी तरफ साथ दे रही है भारत में, उससे अंदाज़ा लगाइए। ये क्रिमिनल मीडिया से अंदाज़ा मत लगाइए। आप मुझे ये बताइए, जो सोशल मीडिया है, ईमानदार सोशल मीडिया, अब ये नहीं जो ये क्रिमिनल मीडिया वाले अपने सोशल मीडिया के भी एंगल्स जो अपने वो बना रहे हैं, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की जितनी मीडिया है, उसका मुझे बताइए किसके साथ खड़ी है। वो इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। अगर हमास वालों ने कुछ गलती की है तो उनके खिलाफ भी खड़े होंगे, लेकिन सबूतों की बुनियाद पर, ये ढकोसले झूठ की बुनियाद पर नहीं। ये जायनिस्ट और RSS के लोग, ये इनका सबसे बड़ा तरीका यही है, अपने झूठ को साबित करने के लिए ये अपनी क्रिमिनल मीडिया का सहारा लेते हैं। एक झूठ को 10 बार 20 बार अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहना के बोला जाता है, और उसमें सच्चाई छुपाने की जो कोशिश की जाती है, वही तो फिलिस्तीन का भी एग्जाम्पल है। अब वो पता नहीं कितनी वीडियो सच हैं कितनी झूठ हैं, बगैर इन्वेस्टिगेशन के अपनी मीडिया की ताकत पे, जो इनकी क्रिमिनल मीडिया है उसमें उसको पॉपुलराइज़ किया जा रहा है और सच्चाई को दबाया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर दोनों तरफ से वॉर क्राइम्स हुए हैं तो वॉर क्राइम्स का ट्रायल होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। के अंदर नमाज पढ़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, तो ये सब डर निकालने के लिए तो ये प्रोग्राम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सबसे अहम काम है, इसके बाद सारे मसले हल होंगे संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और परमानेंट तरीके से, दयानत जहानत से, सोच समझ के, मजबूती से, बगैर इज्जत से कॉम्प्रोमाइज किए हुआ हम ये कदम उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मजलूमों को इंसाफ दिलाना है, अभी तक बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, और ये क्या ये महापंचायत से बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, सिर्फ बिल्किस बानो का नहीं, एक पहलू खान, जुनैद, नासिर, मैं किस किस का नाम गिनवाऊँ, मैं तो नाम ही गिनवाता रह जाऊँगा, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता मैं वो उन मजलूमों के नाम गिनवाऊँ। गुजरात के दंगे में हज़ारों लोग मारे गए, मुजफ्फरनगर, कहाँ कहाँ के दंगे गिनवाएं, ये दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के दंगे, कितने दंगे गिनवाएं, कितने कितने अटैक्स गिनवाएं, कितने मजलूमों को, कितने लोगों को, कितनी हमारी ख्वातीन को हिजाब की वजह से, जिनके चेहरे से हिजाब नोचे गए, जिनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिनको खान पान की वजह से, जिनको तबलीग करने की वजह से, किस किस चीज़ की गिनती गिनवाऊँ मैं। इन सभी का सोल्यूशन जब ही निकलेगा, जब मुस्लिम कम्युनिटी मुनज़्ज़म हो, और क्योंकि अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि सभी मजलूमों की हिफाजत करनी है, तो सभी मजलूमों की आवाज़ हम उठाएं, तभी कुछ सोल्यूशन निकलेगा। नहीं, वो तो किए ही जा रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि भारत एक इतना बड़ा देश है, अगर यहाँ के भी आज हम अगर पहले से मुनज़्ज़म होते, हमारे साथ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग पूरी तरीके से होते, तो आज क्या प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी ये स्टेटमेंट दे पाते, बगैर कोई कैबिनेट मीटिंग बुलाए, बगैर कोई डिस्कशन किए, ये देश की जो कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके खिलाफ क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा बात बोल पाते अपनी जाति बुनियाद पर? तो इसके लिए सबके लिए पहली चीज़ ज़रूरी है कि तंजीम बनाई जाए, और तंजीम ऐसी बनाई जाए जो ईमानदार हो, बहादुर हो, ईमान वाली हो, किसी के लालच में ना आए, किसी से डरे नहीं, ये बुनियादी बात है। इसीलिए दो लोगों ने शुरू किया। कामयाब देखिए, फ्यूचर बताना अल्लाह का काम है, हम लोगों को फ्यूचर नहीं पता। हम गुजारिश कर सकते हैं, मैं और मौलाना तौकीर रजा साहब गुजारिश कर रहे हैं कि हम बहादुरी का रास्ता एक मौका देने के लिए, एक बहादुरी का रास्ता चुनने के लिए सबको बुला रहे हैं। बहादुरी इंसाफ, बराबरी, इज्जत का रास्ता चुनने के लिए पीसफुल और आईनी संवैधानिक तरीके से बुला रहे हैं, तो सभी लोग आए, सभी का फर्ज है, कोई हमारी अपनी लड़ाई नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि सच बोलने की सज़ा दी जा रही है और झूठ बोलने के लिए इनाम दिए जा रहे हैं। इंसाफ के लिए बोलने वालों के साथ जुल्म किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और जो लोग नाइंसाफी की तरफ खड़े हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी सब के खिलाफ तो ये महापंचायत है एक जगह। और भारत देखिए, भारत अगर यूनिफाइड भारत होता तो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में होते जी। तो ये भी एक साजिश के तहत मुल्क की तकसीम जो हुई है, इसीलिए जो हमारी हिस्टोरिक गलतियां भी हैं, RSS और जिना साहब ने जो ये तकसीम कराई है मुल्क की, उसमें जो हिस्टोरिक गलतियां भी हुई हैं, कभी तो हम सही रास्ते पे चलेंगे, कभी तो हम दिमाग से सोच के सही फैसले लेने शुरू करेंगे मुनज़्ज़म तौर पे, तंजीमी तौर पे, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है। जो टेलीविज़न
मणिपुर पर खामोश था, वो इसराइल पहुंचा हुआ है, कवरेज जा रहा है, आप क्या कह रहे हैं? आप किस क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहे हैं? ये ज़ायनिस्ट और आरएसएस के लोग, ये इनका सबसे बड़ा तरीका यही है अपने झूठ को साबित करने के लिए, ये अपनी क्रिमिनल मीडिया का सहारा लेते हैं। एक झूठ को 10 बार 20 बार अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहना के बोला जाता है और उसमें सच्चाई छुपाने की जो कोशिश की जाती है, वही तो फिलिस्तीन का भी एग्जाम्पल है। अब वो पता नहीं कितनी वीडियो सच हैं कितनी झूठ हैं, बगैर इन्वेस्टिगेशन के अपनी मीडिया की ताकत पे, जो इनकी क्रिमिनल मीडिया है उसमें उसको पॉपुलराइज किया जा रहा है और सच्चाई को दबाया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर दोनों तरफ से वॉर क्राइम्स हुए हैं तो वॉर क्राइम्स का ट्रायल होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर कोई हमास ने भी वॉर क्राइम किया है, आतंकवाद तो नहीं, वॉर क्राइम किया है, तो उनके खिलाफ भी प्रॉपर एविडेंस ला के, वो लोग तो आज सुबह भी मैंने देखा है मना कर रहे हैं कि हमने किसी बच्चे और खातिन के ऊपर कोई हमला नहीं किया, तो ये ट्रायल होना चाहिए प्रॉपर इसका। इसराइल के खिलाफ तो यूएन के रेजोल्यूशन हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन हैं, अगर किसी को आतंकवादी कहा जा सकता है तो वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस को कहा जा सकता है। जब पहले भी तालिबान के लोगों को भी आतंकवादी कहा जाता था, लेकिन तालिबान सरकार देखिए वो तो लोग झूठे लोग हैं, आरएसएस के लोग, तो मैं तो बार बार कहता हूँ ना, उनकी कोई भी स्टेटमेंट को ना लगा के पढ़ना चाहिए, वो झूठी बोलेंगे। उनके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खुद जो वकील थे राम जेठमलानी जी, वही उनको चीटर कहते थे, आज तक उन्होंने इसको करेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए भारत इसराइल का साथ दे रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान साथ दे रहे हैं फिलिस्तीन का, भारत का। भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जैसी स्टेटमेंट नहीं दिया, इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि भारत किसके साथ खड़ा है। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो असली मीडिया है, मैं ये क्रिमिनल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसकी तरफ साथ दे रही है भारत में, उससे अंदाज़ा लगाइए, ये क्रिमिनल मीडिया से अंदाज़ा मत लगाइए। आप मुझे ये बताइए जो सोशल मीडिया है, ईमानदार सोशल मीडिया, आप ये नहीं जो ये क्रिमिनल मीडिया वाले अपने सोशल मीडिया के भी एंगल्स जो अपने वो बना रहे हैं, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की जितनी मीडिया है उसका मुझे बताइए किसके साथ खड़ी है, वो इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। अगर हमास वालों ने कुछ गलती की है तो उनके खिलाफ भी खड़े होंगे, लेकिन सबूतों की बुनियाद पर, ये ढकोसले झूठ की बुनियाद पर नहीं। सर आपको क्या लगता है कि पहले देखिए, अभी जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है उसमें तो ये पता लग गया है कि जो हिंदू हैं वो तो 12% निकले हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं वो सिर्फ 12% है, ये निकला है। तो जनसंख्या है वो मेरे ख्याल से 1000 करोड़ नहीं है आज पाँच तक, 142 करोड़ से 12% 142 करोड़ का कितना होंगे, मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ होंगे या 15 करोड़ होंगे, और वो भी पूरे साथ नहीं हो सकते। ये तो उनकी मर्जी है, प्रधानमंत्री जी उनको फैसिलिटेट करें, जाएं या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ना करें, जाएं कौन मना कर रहा है। देखिए इसीलिए ये मुस्लिम महापंचायत हो रही है, और ये जो आपके भी मुँह से झूठ होने के बावजूद ये आप फिर भी आप भी एक झूठ बोल रहे हैं ना, भारत की मीडिया ये नहीं दिखा रही है, मीडिया तो आप दिखा रहे हो लोग, मेनस्ट्रीम मीडिया है वो, क्रिमिनल मीडिया की बात करो ना आप, मीडिया तो मैं अभी बार बार बता रहा हूँ, मीडिया तो आप लोग हो, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है सोशल मीडिया है, आप लोग हो, वो लोग क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही करते हैं, क्रिमिनल्स का ही साथ देंगे। ये टीवी मीडिया जो है हमास को और बाहर की चीज़ों को दिखाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। नहीं वो तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट, तो अभी थोड़ा पीछे चले जाइए आप, मणिपुर में किसको टारगेट कर रहे हैं, ट्राइबल्स को। आज भी मैं आप लोगों को बार बार इस बात को दोहराता हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, आज भी मुसलमानों के साथ उतना जुल्म नहीं हो रहा जितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ आज भी जुल्म हो रहा है, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि ये मनुवादी मीडिया जो आरएसएस के लोग हैं ना, उससे राजनीतिक लाभ नहीं राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इसलिए उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। सर पेशाब कांड आपने देखा है, बताओ इससे ज़्यादा गंदी घिनौनी सोच किसी की हो सकती है। मोहन भागवत का कहना 5000 साल से ये देश सेकुलर है, आप लोग बांटने का काम ना करेंगे सर, उसके आगे भी होगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मोहन भागवत जी के लिए आरएसएस के लिए मनुवादी जो वो बोले उसके आगे ना लगा दे, तो वो इसका मतलब है कि वो झूठ बोलते हैं, उनकी किसी झूठ पे भरोसा करना बेवकूफी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।